दोस्तों आज के इस मैच में बड़ा ही उटांग पटांग लोग अपनी टीम बना रहे हैं, तो क्या ऐसी टीम बनाने से आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। आज फाइनली मैं बताने वाला हूं कि आज के इस मैच में कौन ऐसा खिलाड़ी है जो फ्लॉप जा सकता है, कौन ऐसा बड़ा प्लेयर जो फ्लॉप जा सकता है, और कौन ऐसा कम सिलेक्शन वाला खिलाड़ी आज टॉप पे रैंकिंग आपकी टीम को करा सकता है, फाइनली एक एक करके बताने वाला हूं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, तो कॉमन प्लेयर्स एनालिसिस मैं करने वाला हूं, जो कि बहुत ही जरूरी है मेगा ग्रैंड लीग को फाइंड आउट करने के लिए। लाखों लाख लोगों को पीछे अगर छोड़ना है तो ऐसे खिलाड़ियों के ऊपर आपको फोकस करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद टर्म प्लेयर भी बताने वाला हूं, मस्ट है पिक बताने वाला हूं। वैसे प्लेयर मैचअप इस मैच में आपको देखने को नहीं मिलेगा, चूंकि फर्स्ट टाइम ये दोनों टीम आमने सामने लड़ने जा रही है। उसके बाद बहुत सारा कुछ मैं बताने वाला हूं, इंडिया वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये मैच है भाई, यूएसए, ठीक है ना। उसके बाद ये मैच नंबर 25 है, 12 जून को 8 बजे शाम को ये मैच खेला जाने वाला है। अब देखो सबसे ज्यादा आपको समझना ये है कि ये नसौ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला है, जहां पर आप देख रहे हो बिल्कुल अलग थलग यहां पे पिच का बिहेवियर देखने को आपको मिल रहा है। बैट्समैन का तो बिल्कुल भी नहीं चलता है, यहां पर बॉलर्स का जो है ना परफॉर्म बहुत ही तगड़ा है। तो आज के इस मैच में कौन ऐसा बॉलर है जो कैप्टेंसी या वाइस कैप्टेंसी पारी खेल सकता है, फाइनली आपको बताने वाला हूं। कौन ऐसे बैट्समैन हैं जो आपको अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं, सब कुछ एक एक करके मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चलो अब सबसे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, चूंकि लाखों लोग इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर से ऑल पे सेट करना, ताकि जब भी मैं कोई फ्रेश वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो को बड़े आसानी से आप देख पाओ। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, क्योंकि हजारों लोग इस चैनल का फायदा उठा रहे हैं। यहां पर सब कुछ मैं डेली मैचों का सब कुछ फ्री में आपको देता हूं, सारे इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करके मैं देता हूं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में टॉप पे पिन किया हुआ मिल जाएगा, जहां आप बड़े आसानी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब फटाफट से कर लो। अब सबसे पहले हम यहां पर आपको बता दें, नसौ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम का जो पिच बिहेवियर है वो बल्लेबाजों के मुफीद नहीं है, वो बॉलर्स के मुफीद है। यहां पर आप देखेंगे जो भी टीम टॉस जीतती है ना वो फर्स्ट बॉलिंग करना पसंद करती है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करती है उसके जो सलामी बल्लेबाज हैं या फिर टॉप पे जो टॉप थ्री के जो बल्लेबाज हैं वो अक्सर फेलियर होते हैं, मतलब अक्सर फ्लॉप जाते हैं। आज के इस मैच में क्या हो सकता है सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखोगे वेन्यू स्टेट्स पे नजर डालोगे आप तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 137 से मतलब पर अभी तक कोई भी स्कोर बना ही नहीं है किसी मैच का, वही लोवेस्ट स्कोर यहां पे 77 रन है। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इंफॉर्मेशन यहां पे हम जान लेते हैं। टोटल मैचेस इस ग्राउंड पे 6 खेले गए, बैटिंग फर्स्ट करने वाले ने यहाँ पे 3 मैचेस को विन किया, वही बैटिंग सेकंड करने वाले ने 3 मैचेस को विन किया। वहीं पे एवरेज स्कोर की बात करें फर्स्ट इनिंग में 107 का ही है भाई, 107 का एवरेज स्कोर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही लो स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न पर आप नजर डालोगे तो यहाँ पर देखोगे 150 से नीचे पूरे 6 का 6 मैच जो ना 150 से नीचे ही बना है। तो अब जानने की जरूरत है कि ये पिच भाई बॉलिंग फ्रेंडली रह सकता है, जहां पर बैट्समैन के अपेक्षा बॉलर्स को बहुत ही ज्यादा एडवांटेज मिल सकता है, और जो भी टीम टॉस जीतेगी वो फर्स्ट बॉलिंग ही करना पसंद करेगी, क्योंकि फर्स्ट बॉलिंग करने वाले को यहां पर ज्यादा एडवांटेज है। अब देखो एक नजर हम यहां पर डाल लेते हैं वेदर रिपोर्ट पे, वेदर रिपोर्ट पे आप नजर डालोगे देखोगे 13.9 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान नापा गया है, कि वहीं पे ह्यूमिडिटी की बात करें 70% यहाँ पे नमी है। उसके बाद मोस्टली क्लाउडी 0% चांस है बारिश का, तो यहाँ पर आपको पूरे ओवर का मैच बड़े इजीली देखने को मिल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और एक एक चीज पे नजर डालते हैं। सबसे पहले इस ग्राउंड पे लास्ट जो 3 मैच हुआ है ना
उसके ऊपर नजर डालते हैं और समझते हैं यहां पर क्या हुआ है और क्या हो सकता है। देखो 10 जून 2024 को मैच हुआ साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच में। साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करते हुए 113 रन बनाया और बांग्लादेश को 109 रन पे, क्योंकि साउथ अफ्रीका की यह काबिलियत थी कि मैच को डिफेंड कर लिया, ठीक है ना। अब देखो यहां पर पेसर कितने विकेट से लेकर गए, तो यहां पर 9 विकेट पेसर लेकर गए और स्पिनर के हाथ सिर्फ 4 विकेट मिले, ठीक है ना। तो आ जाते हैं यहां पर 9 जून 2024 को हम देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ। यहां भी इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते हुए 119 रन का टारगेट दिया 10 विकेट के अनुसार, भाई पे पाकिस्तान 113 रन पे ही ढेर हो गई भाई। तो यहां भी इंडिया की यह काबिलियत थी कि डिफेंड करते हुए मैच को जीत लिया था। अब देखो यहां पर पेसर को कितने विकेट मिले, 15 विकेट मिले, वहीं पर स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट। तो यहां भी डिफेंड करते हुए जीता गया और यहां भी डिफेंड करते हुए जीता गया। ये दोनों टीम जो ना तगड़ी टीम है, इसलिए यहां पे डिफेंड करके मैच को जीता गया, वो भी लो स्कोरिंग मैच को जीता गया। अब देखो 8 जून 2024 की बात कर ले, नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच हुआ। नेदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करते हुए 103 रन का टारगेट दिया, वहीं पे साउथ अफ्रीका 106 रन बना करके इस मैच को 4 विकेट से जीत लिया। अब देखो यहां पर चेज करते हुए मैच को जीता गया। अब यहां पे देख सकते हो आप 13 विकेट पेसर लेकर गए और स्पिनर के हाथ कुछ भी नहीं लगा, 0-0। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे कोई भी अगर तगड़ी टीम है तो यहाँ पर डिफेंड करते हुए भी जीता जा सकता है। लेकिन आपको समझने की ये ज़रूरत है कि फर्स्ट इनिंग में बहुत ही कम स्कोर आपको बनते हुए दिखेंगे। तो अब देखना बनता है कि आज के इस मैच में कौन सी टीम किस पे भारी पड़ने वाली है। उसके बाद एक चीज आप यहां पर नजर डालेंगे तो ज्यादातर विकेट्स ना पेसर को मिल रहे हैं, स्पिनर को न के बराबर विकेट्स मिल रहे हैं। अब इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में किस क्वालिटी स्पिनर को आपको अपनी टीम में रखना चाहिए, वो सब कुछ एक एक करके मैं आगे आपको बताने वाला हूं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर हम देख लेते हैं ड्रीम टीम, ये भी जानना जरूरी है। इस ग्राउंड पे जो 3 मैचेस हुए ना उसका ड्रीम टीम हम देखने वाले हैं। साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश का जो मैच हुआ था उसमें आप ड्रीम टीम पे नजर डालोगे तो आप यहां पर देख सकते हो। देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा यार इसको साइड कर लो। देखो यहां पर एच क्लासन विकेट की प्रदर्शन से 2 खिलाड़ी रहा था, एच क्लासन और क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक इसलिए आ गया भाई चूंकि यहां पर हालांकि 39 ही पॉइंट दिया तो आ गया। एच क्लासन देखो मिडल ऑर्डर का खिलाड़ी जो मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे नंबर पे आता है, ठीक है ना। वहीं पे तौहीद हिरदो, ये भी मतलब मिडल ऑर्डर का खिलाड़ी है, बहुत नीचे डाउन द लाइन उतरता है। डेविड मिलर ये भी बहुत डाउन द लाइन आता है। उसके बाद एडम मार्करम एक ऑलराउंडर सेक्शन से आया था और हुसैन आया था। उसके बाद यहाँ पे देखोगे टोटल बॉलर 5 बॉलर, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बॉलर देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ इंडिया और पाकिस्तान के, देखो ऋषभ पंत, ठीक है ना। उसके बाद ये भी मिडल ऑर्डर में खेलता है। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, चूंकि मोहम्मद रिजवान और ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों इसलिए ड्रीम टीम में आया, यहाँ से कोई एक फ्लॉप जाता अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आता, सेकेंड इनिंग में बैटिंग आई थी, इसलिए ये दोनों ड्रीम टीम का हिस्सा बना। अब देखो यहाँ पे अक्षर पटेल ड्रीम टीम का हिस्सा बना, हार्दिक पांड्या और इमाद वसीम। वहीं पे यहाँ भी 5 बॉलर को आप देख रहे हो कि यहाँ पे 5 बॉलर आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनता हुआ दिखा, वो भी कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर यहीं से निकला और यहाँ भी यहीं से निकला। आ जाओ यहाँ पे तीसरा देख लेते हैं, साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच में जो मैच हुआ। देखो एस एडवार्ड्स जो डाउन द लाइन उतरता है, बहुत नीचे आता है खेलने, वो ड्रीम टीम का हिस्सा बना। वहीं पे डेविड मिलर भी डाउन द लाइन आता है, टी स्टम भी डाउन द लाइन आता है। ये सारे मिडल ऑर्डर, मतलब लो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन यहां पे कहीं ना कहीं ड्रीम टीम का हिस्सा बन रहे। उसके बाद एलवन बी की यहां पे आपको कैप्टन बना था और वहीं पे मार्को जेनसन और यहां पे देख सकते हो ये सारे डाउन द लाइन। उसके बाद यहां पे 4 खिलाड़ी जो है ना बॉलिंग सेशन में आए थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैटमैन यहाँ पे वाइस कैप्टन रहा, एलेवन बी यहाँ पे कैप्टन रहा, तो कहीं ना कहीं बॉलर ही यार यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर आपको देखते हुए देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या आज के इस मैच में भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बॉलिंग सेक्शन से ही निकलने वाला है या फिर ऑलराउंड सेक्शन से या फिर बैटिंग सेक्शन से, सब कुछ एक एक करके आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एक तरीका था आपको दिखाने का, बताने का कि आप आज के इस मैच में कौन सी टीम, किस तरह की टीम आपको लगानी चाहिए जो आपको टॉप पे रैंकिंग करा सके। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर मतलब पेसर वर्सेस स्पिनर का हम देख लेते हैं। देखो पिछले 3 मैचों में, अभी जो आपने 3 मैचेस देखा है, पिछले 3 मैचों में पेसर को टोटल जो विकेट्स मिले वो 37 विकेट्स मिले हैं,
वहीं पे बात करें स्पिनर की तो सिर्फ 5 ही विकेट्स मिले हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर 22 विकेट लेकर गए, वहीं सेकेंड इनिंग में पेसर 15 विकेट। दोनों इनिंग्स में पेसर यहाँ पर धमाल करते हैं, तो पेसर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रह सकता है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में जो भी बैटिंग करता रहा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि उसके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आप कोशिश करो कि ड्रॉप कर दो, ठीक है ना। वहीं पे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है जैसे कि 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, ये खिलाड़ी आपको डीम टीम का हिस्सा बनता हुआ दिख सकता है। वहीं पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर्स को अपनी टीम में कंसीडर करना है। अगर क्वालिटी ऑलराउंडर हो जो आपको अगर बैटिंग से पॉइंट्स नहीं देता है तो बॉलिंग से दे सकता है, ऐसे ऑलराउंडर को अपनी टीम में कंसीडर करने की कोशिश करना है। वहीं पर आप देख ले स्पिनर की बात कर लें, फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट और सेकेंड इनिंग में यहाँ पर 4 विकेट, तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर क्वालिटी स्पिनर जो होगा वो कहीं ना कहीं विकेट्स आपको निकालता हुआ दिखेगा। अब इसके अकॉर्डिंग कैसे टीम आपको क्रिएट करना है वो सब कुछ एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं। अब देख सकते हो हेड टू हेड में अभी दोनों का आमना सामना नहीं हुआ, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब लास्ट 5 मैच इंडिया की बात करें, 5 का 5 मैच इंडिया जीत के आ रही है। वहीं पर बात करें यूएसए की तो 4 मैच ये भी जीत के आ रही है, सिर्फ 1 मैच को लूज किया यूएसए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि यूएसए की बात करें भाई, सारे खिलाड़ी फॉर्म में अच्छा प्रदर्शन यूएसए कर रहा है, तो हो सकता है कि इस मैच में भी कुछ अलग आपको देखने को मिल सकता है भैया। अब क्या मिलेगा वो सब कुछ एक एक करके मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। अब देखो पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग आप देखोगे विनिंग परसेंटेज पे आप जब नजर अपनी डालोगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि 90% चांस इंडिया का है, वहीं पर 10% चांस यूएसए का है। लेकिन अगर इंडिया फर्स्ट बैटिंग करती है तो 50% चांस इंडिया का हो जाएगा और 50% यूएसए का हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सेकेंड बैटिंग करती है तो 90% चांस इंडिया का जीतने का रहेगा। लेकिन अगर फर्स्ट बॉलिंग यूएसए करती है, मतलब सेकेंड बैटिंग करती है यूएसए ना, तो इसका चांस 50% जीतने का हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टीम क्रिएट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक चीज़ पे नज़र डाल लेते हैं, प्लेइंग 11 पे कॉमन प्लेयर्स का एनालिसिस हम कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है भाई, कॉमन प्लेयर के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप ग्रैंड लीग लवर्स हो, ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो, ग्रैंड लीग में अच्छी विनिंग करना चाहते हो, टॉप पे रैंकिंग कराना चाहते हो अपनी टीम को, तो ये बहुत ज़रूरी है। देखो इंडिया की तरफ से कितने प्लेयर हैं जो यहाँ पर आपको कॉमन दिखेंगे, वो 7 प्लेयर हैं। अब मैं आपको बता दूँ कौन कौन है, तो देखो यहाँ पर रोहित शर्मा आपको कॉमन प्लेयर दिखेंगे, वहीं पे विराट कोहली कॉमन प्लेयर, उसके बाद ऋषभ पंत कॉमन प्लेयर, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ हार्दिक पांड्या कॉमन प्लेयर, उसके बाद यहाँ पे अक्षर पटेल कॉमन प्लेयर, जसप्रीत बुमराह कॉमन प्लेयर, उसके बाद अर्शदीप सिंह कॉमन प्लेयर। ये 7 ऐसे प्लेयर हैं भाई जो बिल्कुल कॉमन हैं। अब देखो यहाँ पर टॉप 3 ये भी कॉमन है, तो क्या ये टॉप 3 ये तीनों का तीनों चलने वाला है? देखो एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए या सेकेंड इनिंग में बैटिंग आए, सेकेंड इनिंग में बैटिंग आए तो एक को तो ड्रॉप करना बनता है भाई। अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आए तो 2 को भी यहाँ से 3 में से 2 को भी ड्रॉप करने का रिस्क आप ले सकते हो। अब इस मैच में मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, बहुत कम लोग अपनी टीम में कंसिडर करेंगे, आपको लेके जाना चाहिए। और देखो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग आएगी ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रोहित शर्मा ना फ्लॉप जाएगा फर्स्ट इनिंग में अगर बैटिंग आती है इंडिया की। विराट कोहली कुछ कर सकता है भाई, अच्छे मतलब ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं देगा, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 40 से 50 पॉइंट्स देकर के ना डीम टीम का हिस्सा बनता हुआ आपको देख सकता है। अब देखो यहाँ पे जसप्रीत बुमराह कमाल कर सकता है, उसके बाद अक्षर पटेल भी हालांकि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि अक्षर पटेल को आप तब रखना जब सेकेंड इनिंग में बॉलिंग आए इंडिया की, अदरवाइज आपको नहीं रखना है। जसप्रीत बुमराह दोनों कंडीशन में, अर्शदीप सिंह को भी आप दोनों कंडीशन में ट्राई कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर बात कर ले तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी है यहाँ पर, आरन जॉन्स जो है ना, ये खिलाड़ी कॉमन प्लेयर है, बाकी कोई भी नहीं है भाई। अब देखो किसी भी खिलाड़ी पर ट्रस्ट नहीं है यार, इंडिया के ये 7 प्लेयर को आपने कॉमन बनाया है, अपनी सारी टीमों पे लेकर गए, इनमें से कोई भी नहीं जता। देखो यहाँ पे ए गौस, ये आपको डीम टीम का हिस्सा बनता हुआ दिख सकता है, उसके बाद मुनाफ पटेल और एस टेलर, इन दोनों में से कोई एक चल सकता है। और ये ए गौस आपको यहाँ पे डीम टीम का हिस्सा बनता हुआ आज के मैच में दिख सकता है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन कौन हो सकता है, तो देखो यहाँ पर केंजिंग, ये देखो एन केंजिंग, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे सौरभ नेत्रवालकर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कॉमन प्लेयर।
अब चलो आगे बढ़ते हैं और हम पीछे चलते हैं, सीधा पीछे जहाँ से हम आए थे वहीं चलते हैं और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स मैंने बता दिया, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मस्ट हैव पिक, ऑलमोस्ट मस्ट हैव पिक। सारी टीमों पे फिक्स करके किस खिलाड़ी को आप चल सकते हो, तो देखो मैं बताता हूँ। विराट कोहली मुझे लगता है कि इस मैच में कुछ कर सकता है, ऋषभ पंत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बैटिंग से पॉइंट नहीं दिया तो विकेट कीपिंग सिस्टम से आपको पॉइंट दे सकता है, टीम का हिस्सा बनता हुआ दिख सकता है। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, ये खिलाड़ी कन्फर्म है सारी टीमों पे मैं लेके जाऊंगा। उसके बाद आरन जॉन्स को मैं लेके जाऊंगा यूएसए की तरफ से, उसके बाद एंडिस गॉस को लेके जाऊंगा, उसके बाद एन कैनजिंग को लेके जाऊंगा। ये 7 ऐसे प्लेयर हैं जिनको मैं अपनी टीम पर फिक्स करने वाला हूँ, आप भी कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सीबीसी का कॉम्बिनेशन देखना भी ज़रूरी है। अब देखो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर बॉलर्स आपने ड्रीम टीम में देखा लास्ट 3 मैचों का, जहाँ पे आपको बॉलर्स ही कैप्टन वाइस कैप्टन का कंटेंडर बनता हुआ दिखा। अब इस मैच में क्या हो सकता है, देखो अगर विराट कोहली हालांकि फर्स्ट टीम हो या सेकेंड टीम हो, मुझे लगता है कि वाइस कैप्टनशिप पारी तो कम से कम खेल ही सकता है। विराट कोहली पे आप ट्रस्ट जमा सकते हो। ऋषभ पंत आपको मतलब वीसी का कंटेंडर बनता हुआ दिख सकता है। जसप्रीत बुमराह आपको कैप्टनसी का पारी खेल सकता है, अर्शदीप सिंह भी खेल सकता है। देखो अगर फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग अगर इंडिया की आती है ना, उस कंडीशन में जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह दोनों को आप मतलब सीबीसी ट्राई कर सकते हो। कैप्टन ट्राई करना भाई, वाइस कैप्टन मत ट्राई करना, कैप्टन ट्राई करना। उसके बाद देखो उस कंडीशन में आप ए जॉन्स को वाइस कैप्टन मार सकते हो, उसके बाद यहाँ पे ए गॉस को वाइस कैप्टन मार सकते हो। देखो कैप्टनसी के लिए ना मुझे लगता है कि 2-3 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, एक तो जसप्रीत बुमराह, उसके बाद मतलब अर्शदीप सिंह और ऋषभ पंत को भी एक टीम पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ट्रस्टेड जो है ना जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ही रहने वाला है, खास करके जब फर्स्ट बॉलिंग आया, ठीक है ना। ये बता दिया, अब देखो ये प्लेइंग 11 इंडिया का रहने वाला है, ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे ये प्लेइंग 11 आपका यूएसए का रहने वाला है। चलो अब हम सारे खिलाड़ियों का डेप्थ एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पर विकेट कीपर सेक्शन में हम पहुँच गए, अब फाइनली यहाँ पर जानने वाले हैं कहाँ से कितने खिलाड़ी लेके जाना है, किस सेक्शन से कितने लेके जाना है। सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री माइंड होकर के वीडियो को देखना, पूरा वीडियो वॉच कर लेना भाई, बहुत अच्छे रैंक को अचीव कर सकते हो। ऋषभ पंत इंडिया की तरफ से खेलता हुआ दिखेगा, बेझिझक लेके जाओ, कोई मतलब ही नहीं बनता, आप फिक्स लेके जा सकते हो, मेरा फेवरेट रहने वाला है भाई, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात करें यूएसए की तरफ से तो मनाज पटेल आपको खेलता हुआ दिखेगा, उसके बाद ए गॉस। देखो भाई इन दोनों में से कोई एक तगड़ा चल सकता है भाई, अच्छा पॉइंट्स आपको लेके दे सकता है, तो इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना। लेकिन देखो फर्स्ट इनिंग में मुझे लगता है कि ए गॉस इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकेंड इनिंग के लिए आप एम पटेल को ट्राई कर सकते हो, और सेकेंड इनिंग में चाहो तो दोनों को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे लगता है यहां पर 2-3 का कॉम्बिनेशन रख सकते हो, लेकिन 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ऋषभ पंत को तो रखना ही है, यहां से भी आप तीनों को लेकर जा सकते हो, ठीक है ना, जैसा मैंने बताया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां पर बैटिंग सेक्शन में हम आ गए। अब देखो इस सेक्शन में कहाँ से कितने खिलाड़ी लेके जाना है, देखो यहाँ पर इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद सूर्य कुमार यादव, ये 3 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे खेलते हुए। अब देखो यहाँ पर रोहित शर्मा की बात करें तो भाई रोहित शर्मा 13-52-23, देखो अगर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग आती है ना, उस कंडीशन में आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेना, ठीक है ना। सेकेंड इनिंग में आप ट्राई कर सकते हो। विराट कोहली मुझे लगता है कि दोनों इनिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इस मैच में आपको ड्रीम टीम का हिस्सा बनता हुआ दिखेगा। सूर्य कुमार यादव के ऊपर ट्रस्ट दिखा सकते हो, चाहे फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकेंड इनिंग हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा सेकेंड इनिंग में जब बैटिंग आती है, उस कंडीशन में ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ए जॉन्स की बात करें तो देखो 12 रन 0 विकेट, उसके बाद 31 रन 0 विकेट। बैटिंग सेक्शन से ए जॉन्स इंपॉर्टेंट रह सकता है। नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार को आप चाहो तो ट्राई कर लेना, लेकिन मुझे लगता कि ये चल पाएगा। ए जॉन से इंपॉर्टेंट रह सकता है। अब यहां से कितने खिलाड़ी आप लेके जा सकते हो, देखो यहां से आप वैसे मैं कंडीशन वाइज बता ही दिया हूं, अब मुझे लगता है कि 2-3 खिलाड़ी, 2-3 खिलाड़ी आप लेके जा सकते हो। अब मेरा फेवरेट कौन होने वाला है, तो ये रोहित शर्मा सेकेंड इनिंग के लिए मेरा फेवरेट होगा, विराट कोहली मेरा फेवरेट होने वाला है दोनों कंडीशन में, ठीक है ना। वहीं पे बात करें तो यहाँ पे ए जॉन्स मेरा फेवरेट होने वाला है, ये 2 खिलाड़ी मेरा फेवरेट है, बाकी मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में हम पहुँच गए और ये सेक्शन आपका जानना बहुत ज़रूरी है। शिवम दुबे आपको खेलता हुआ दिखेगा इंडिया की तरफ से, हार्दिक पांड्या, उसके बाद रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, ये 4 खिलाड़ी आपको ऑलराउंडर सेक्शन में नजर आएंगे। अब देखो शिवम दुबे भाई, शिवम दुबे बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है शिवम दुबे, ठीक है ना, बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा है, तो क्या शिवम दुबे इस मैच में अच्छा कर सकता है, कर सकता है, लेकिन
फर्स्ट इनिंग में जब बैटिंग आए इंडिया की तो ट्राई करना, अदरवाइज आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरा फेवरेट भी रहने वाला है। रविंद्र जडेजा को मैं भाई अगर ट्राई भी करूंगा, वैसे तो ट्राई नहीं करूंगा, ट्राई भी करूंगा सेकेंड इनिंग के लिए। अक्षर पटेल को भी ट्राई करूंगा सेकेंड इनिंग के लिए, लेकिन रविंद्र जडेजा पर मैं कट मारता हूँ, ट्राई नहीं करूंगा यार। अक्षर पटेल को मैं ट्राई कर सकता हूँ एक आध टीम पर। वहीं पर बात करें यूएसए की तरफ से तो एस टेलर आपको खेलता हुआ दिखेगा। एस टेलर आप ट्राई करना फर्स्ट इनिंग में जब मतलब बैटिंग आए तो ट्राई मत करना, सेकेंड इनिंग में बैटिंग तो ट्राई कर सकते हो, एक टीम पे ट्राई कर लेना। हाँ, सी एडनसन की बात करें तो भाई ये तो मैं कांटा मारूंगा लेके नहीं जाऊंगा। हरमीत सिंह की बात करें तो इसके ऊपर भी मैं कांटा मारूंगा, ठीक है ना। यहाँ से आप इधर से तो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, अब यहाँ से मेरा एक फेवरेट है वो है हार्दिक पांड्या, ठीक है ना। अक्षर पटेल को मैं सेकेंड इनिंग के लिए ट्राई करूंगा। तो यहाँ पर एक से दो का कॉम्बिनेशन रखना, ज़्यादा मत रखना। मुझे लगता है कि दो खिलाड़ी आ सकता है ड्रीम टीम में आपको बनता हुआ दिख सकता है। अब चलो, सबसे ज़्यादा फोकस आपको बॉलिंग सेक्शन का करना चाहिए। बॉलिंग सेक्शन, ये सेक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि यहाँ पर विकेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं भाई। देखो जसप्रीत बुमराह आपको खेलता हुआ दिखेगा कहाँ से, इंडिया की तरफ से। उसके बाद मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह, और इधर देखो जसदीप सिंह, उसके बाद अली खान और एस नेटवालकर, ठीक है ना। आगे देखो, आगे यहाँ पर नौस्थस केंजिंग, ये आपको खेलता हुआ दिखेगा कहाँ से, यूएसए की तरफ से। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इसका डेप्थ एनालिसिस करते हैं। देखो जसप्रीत बुमराह को दोनों कंडीशन में लेके जाना हर हाल में, ठीक है ना। मोहम्मद सिराज को आप फर्स्ट इनिंग में जब चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मतलब जब बॉलिंग आए इंडिया की। अर्शदीप सिंह को दोनों कंडीशन में लेके जाना। अब यहाँ ये मतलब जसप्रीत बुमराह मेरा फेवरेट है, उसके बाद अर्शदीप सिंह मेरा फेवरेट है, ये दो खिलाड़ी मेरा फेवरेट है। अब आ जाओ यहाँ पर यार, इसको मैं कट मारूंगा लेके नहीं जाऊँगा। अली खान को मैं फर्स्ट इनिंग में जब बॉलिंग आए तो ट्राई कर सकता हूँ, चूंकि राइट आर्म फास्ट बॉलर है, कहीं ना कहीं विकेट्स निकाल के आपको दे सकता है। उसके बाद बात करें भाई नेटवालकर को, तो मैं नेटवालकर को सेकेंड इनिंग के लिए ट्राई कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा देखो, वैसे मेरा फेवरेट यहाँ से दो इधर से हो गया, और एक मेरा फेवरेट यहाँ पे अली खान, ये इस मैच में मेरा फेवरेट रहने वाला है। देखो यहाँ से चार से पांच खिलाड़ी आप लेके जा सकते हो भाई, चार से पांच खिलाड़ी लेके जा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं। देखो ये भी खिलाड़ी आपको लेके जाना, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है ना। मैंने आपको अपना तीन फेवरेट, चार फेवरेट खिलाड़ी बता दिया, तो चार से पांच का कॉम्बिनेशन आप बैटिंग मतलब वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बेस्ट रहेगा। पांच खिलाड़ी अगर बॉलिंग सेक्शन से आप लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया केंजिंग के बारे में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, खास करके फर्स्ट इनिंग में अच्छे खासे विकेट से लेके जा सकता है। आप ट्राई सीबीसी के लिए भी कर सकते हो, कम से कम वीसी तो बना ही सकते हो, ठीक है। अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम देख लेते हैं इंडिया की तरफ से स्टार्टिंग ओवर करता हुआ दिखेगा जसप्रीत बुमराह, उसके बाद आपको अर्शदीप सिंह करता हुआ दिखेगा, और मोहम्मद सिराज। मिडिल ऑर्डर में अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप अगर खेलता है तो दे दो ओवर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और सिराज, ठीक है। आ जाओ यूएसए की तरफ से स्टार्टिंग ओवर आपको करता हुआ दिखेगा नेटावलकर, उसके बाद अली खान और जय सिंह। वहीं पे मिडिल ऑर्डर में केंजिंग, उसके बाद एच सिंह और टेलर और कैंडरसन, ठीक है ना। अब देखो एंडरसन, सी एंडरसन, उसके बाद डेथ ओवर यहाँ पे नेटवालकर, उसके बाद अली खान और जय सिंह, ये करते हुए देखेंगे। इसके अकॉर्डिंग बॉलर्स को आप इजीली अपनी टीम में कंसीडर कर सकते हो। अब यहाँ पर प्लेइंग 11 में आप सब कुछ आपको बता चुका हूँ दोस्तों। चलते चलाते चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करना बनता है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है, और बेल आइकन को ज़रूर से ऑल पर सेट करना, वर्ल्ड कप चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे अपडेट में फ्री में करता हूँ। चैनल टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कॉमेंट में टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो जाओ फटाफट से ये सब कर लो। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।